अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सजा हुसैन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिंधिया नाडा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक बेस्ट एंड्रॉइड ऐप लाया हूँ जिसका नाम है यू डिक्शनरी। आप उसको प्ले स्टोर ओपन करके उसको यहाँ पे यू डिक्शनरी के नाम से सर्च कर सकते हैं। ये मैंने पहले से इंस्टॉल की है, आप इसको यहाँ से इंस्टॉल करें। उसके बाद फ्रेंड्स, आप ये एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कंटेंट्स एड। इसका मतलब ये इसका फ्री वर्जन है। अगर आप इसका पेड वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसके ज़रिए आप किसी भी ऐप का पेड वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप इसका पेड वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करें। स्टार्ट के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड ऑफलाइन पैकेज पे डन कर। उसके बाद सबसे पहले पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है, यहाँ पे आपको इंग्लिश दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सेकंड इंग्लिश पे क्लिक करके आप यहाँ से वो लैंग्वेज सिलेक्ट करें जिसमें आप तर्जुमा करना चाह रहे हैं। नोटू सिलेक्ट करो। तो उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कोई भी वर्ड लिखेंगे तो उसकी उर्दू में मीनिंग आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं सर्च करता हूँ सिंपल, जैसे डिक्शनरी काम करता है, ये आप देख सकते हैं। सिंपल की मीनिंग लेके आया है सादा, और इसके रिलेटेड भी कुछ सेंटेंस लेके आया। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप वॉइस में भी सर्च करना चाहें तो इसमें वॉइस के ज़रिए सर्च कर सकते हैं। इस माइक पे क्लिक करें, उसके बाद आप जिस लैंग्वेज में बोलना चाहें, इंग्लिश या उर्दू। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश चूज कर रहा हूँ। माय नेम इज़ सजाद हुसैन। ये देखें, ये लेके आए सजेशन, जो भी आपको स्पेलिंग सही लगे वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके उससे रिलेटेड भी ये सेंटेंस लेके आ गए, ये आप देख सकते हैं, मेरा नाम सजाद हुसैन, ये लेके आए। उसके बाद उर्दू में चेक कर लें, यहाँ से वॉइस पे क्लिक करें, उर्दू, मेरा नाम सजाद हुसैन है। ये देखें, मेरा नाम सजाद हुसैन है, और ये उससे रिलेटेड वॉइस भी लेके आ गया। उसके बाद फ्रेंड का जो सेकंड फीचर, जो एक बेहतरीन फीचर आपको बताता चलूँ, वो बहुत ही बेहतर, यहाँ कैमरा पे क्लिक करें। कैमरा पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, आप वर्ड पे क्लिक कर सकते हैं या सेंटेंस, यहाँ पे जो भी देखें आप। अगर वर्ड पे सिलेक्ट करना है, ये देख सकते हैं आप वर्ड की मीनिंग देखें। फॉर एग्जाम्पल, वॉन्टर्स, फोकस करें। अच्छा, अभी ये देखें आप मीनिंग लेके आ रहा है। उसके बाद सेंटेंस देखना चाहते हैं तो ये पे करके आप सेंटेंस पे फोकस करें किसी में भी। उसके बाद आपको ये पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेने के बाद जो भी सेंटेंस आप स्कैन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करें। ओके के बाद ये इसकी मीनिंग लेके आ जाएगा, का दिन दुनिया के साथ देगा, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, अब चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स के बाद ऑफलाइन पे के जाएं, यहाँ से आप इसके ऑफलाइन अगर यूज़ करना चाहें ये डिक्शनरी तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ये देख सकते हैं, इसके कुछ अवेलेबल डाउनलोड्स हैं यहाँ पे। ये कंपलसरी आपको डाउनलोड करने से सिनोनियम, सिंटोनिम, फ्रेजेस, कॉग्निट वर्ड्स। उसके बाद जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं ऑफलाइन, वो लैंग्वेज यहाँ से क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक ट्रांसलेट। क्विक ट्रांसलेट ये देखें आप, यहाँ नोटिफिकेशन बार है, इसको क्विक ट्रांसलेट कर दें। उसके बाद वर्ल्ड लॉक स्क्रीन, ये देख सकते हैं, जब भी आप अपनी स्क्रीन लॉक करेंगे ये देखें तो एक वर्ड आ जाएगा, ये देखें, उस पर क्लिक टैप करेंगे तो ये उसकी मीनिंग बताएगा। जब भी आप करेंगे ये वर्ड चेंज होता रहता है। अगर आपको उसकी मज़ीद डिटेल चाहिए तो यहाँ पे ये जो एरो का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो फुल डिटेल उसकी आपको दे देगा। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड इसके दूसरे फीचर पे, कॉपी टू ट्रांसलेट। इनेबल कॉपी टू ट्रांसलेट। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई पैराग्राफ या आर्टिकल की ट्रांसलेशन चाहिए तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, सॉरी थोड़ा ब्रेक कर लें, ये देख सकते हैं ऑफिस व्यू, ये इसको आपको सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको कॉपी जैसे ही करेंगे तो ये देखें फ्रेंड, यस इंस्टेंट कॉपी। इसको परमिशन देनी है पहले, परमिशन देने के बाद आप देख जाएं, ये देख सकते हैं फ्रेंड,
यहाँ पे आप क्लिक कॉपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखें ऊपर से ऑटोमेटिक जो है उसकी मीनिंग आ जाएगी, ट्रांसलेशन आ जाएगी। तो इसका जो सेकंड लास्ट और बेस्ट फीचर आपको बताते चलें, अगर आप व्हाट्सएप यूज़र हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, स्पेशली ये व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए। ये क्लोज करें, यहाँ से आप सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग में जाने के बाद पर यहाँ आप मैजिक ट्रांसलेट देखें, मैजिक ट्रांसलेट को इनेबल करने पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें जिसमें आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उर्दू सिलेक्ट कर रहा हूँ उर्दू, उसके बाद जिस लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट करना चाहें इसको इंग्लिश ही में। तो अब चलते हैं व्हाट्सएप की तरफ। व्हाट्सएप में जाने के बाद फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ इंग्लिश में मैसेज, अगर मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ने हैं फॉर एग्जांपल मैं इसको जस्ट ऐसे टाइप करूँगा, सॉरी ये कुछ परमिशन मांग रहा है, इसको फिर से परमिशन दे दें न्यू डिक्शनरी को, सॉरी एक मिनट, यहाँ एक्सेसिबिलिटी में स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करने के बाद न्यू डिक्शनरी को परमिशन दे दें। उसके बाद बैक करें, बैक करने के बाद यूज मैजिक फ्रेंड्स। उसके बाद आए व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में आने के बाद ये देखें फ्रेंड, यहाँ पे जैसे आप करेंगे हाउ आर यू लिखा हुआ तो आप कैसे हो लेके आ गया, अगर जिस वो बी सेंटेंस की आपको मीनिंग है जस्ट उसके आप ऊपर आपको इसको ड्रैग करना है। ये देखें कॉफी स्टूडियो इज अ पाकिस्तान, ये देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था आप उर्दू में बोलते जाएं और आपका मोबाइल इंग्लिश में लिखता आ जाएगा, उसकी वीडियो की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वो ऐप देख सकते हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं ये देखें, जैसे कि अब मैं यहाँ पे उर्दू में बोलूँगा और वो मैसेज इंग्लिश में जाएगा, मैं ठीक हूँ। ये देखें फ्रेंड, जैसा कि मैंने उर्दू में बोला और ये इंग्लिश में आ गया है, इससे मैंने बताया था अगर हाँ तो आपने उसको ट्रांसलेशन करके उर्दू से तो मैसेज भेज दिया व्हाट्सएप, अगर फिर वो आपको इंग्लिश में रिप्लाई करता है तो फिर आप उसको क्या करें। तो उसका यही हल है आप फ्रेंड्स, आप जस्ट उसको ऐसे फॉर एग्जांपल उसने आपको मैसेज भेजा है हाउ आर यू तो उस पर ट्रैक करें आप कैसे हो, तो फिर से आप यहाँ से ट्रांसलेशन में जाके इस कीबोर्ड की मदद से आप मैं ठीक हूँ कहेंगे तो आपका मैसेज इंग्लिश में लिख जाएगा और उसको आप आसानी से सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आए तो कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे।